हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी स्पेस प्रोग्राम। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत 1962 से हुई थी और इसके जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, और इसरो की स्थापना हुई थी भारत में 1969 में, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। और इसरो द्वारा निर्मित जो पहला उपग्रह है, जिसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि एक गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, हमारे देश के प्रतिष्ठित गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया था आर्यभट्ट, जिसको भारत द्वारा नहीं सोवियत संघ यानी रूस द्वारा भेजा गया था। रूस के प्रक्षेपण केंद्र से इस उपग्रह को भेजा गया था। और अगर बात करें भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन था, वो था रोहिणी, जिसको भारत में आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम देखते हैं चंद्रमा पर भेजा गया जो भारत का मिशन था, वो था चंद्रयान प्रथम। ये चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। और मंगल ग्रह पर भी भारत द्वारा मिशन भेजा जा चुका है, जिसका नाम है मार्स आर्बिटर। इसके बारे में डिटेल से जानकारी अभी हम आपको आगे देंगे, मंगल पर भेजे गए मिशन मार्स के बारे में। और अगर बात करें अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो था यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ के थे। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। और अगर बात करें प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की, तो वे थे राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय अमेरिकी मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय नहीं थी, ये भारत में इनका जन्म हुआ था और नागरिकता इनकी अमेरिका की भी थी। तो प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, और इनको नासा के एक मिशन में भेजा गया था। तो वहाँ से अंतरिक्ष से लौटते हुए रास्ते में ही इनके कोलंबिया शटल में विस्फोट हो जाने के कारण इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, यानी उपग्रहों को जिन प्रक्षेपास्त्रों से भेजा जाता है उन्हीं के बारे में। ये अलग अलग होते हैं, तो इसमें जो पहला है वो है SLV। SLV हमारा सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र है, जिससे रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था। रोहिणी क्या है? रोहिणी है भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह, जिसको भारत के ही अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। अगला आता है हमारा ASLV। ASLV 5 चरण रॉकेट है, यानी 5 चरणों से बना हुआ एक रॉकेट है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित करने में सक्षम है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रक्षेपास्त्र को। उससे पहले हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, ये है SLV-3, जिससे रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था 1980 में रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था SLV-3 से। और ये हमारा ASLV, ये आप देख सकते हैं 5 चरणों का इसमें रॉकेट है, ये रॉकेट है 5 चरणों का। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रक्षेपास्त्र की ओर, जो कि हमारा PSLV, उससे यानी ASLV से अपडेट होकर बनाया गया PSLV को, जिसमें 4 चरण थे। इसमें प्रथम व द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक भरा था, और द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक भरा था। ये आप देख सकते हैं, ये है PSLV की इमेज। अब अगर बात करें प्रणोदक क्या होता है, तो ये होता है असमानित डाई मिथाइल हाइड्राजाइन व N2O4 का द्रवित रूप, ये होता है प्रणोदक। तो ये 4 चरणों वाला इंजन था, और इसमें प्रथम व द्वितीय में ठोस प्रणोदक भरा हुआ था, और द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक भरा हुआ था। तो इसीलिए, और PSLV के काफ़ी संस्करण आए हैं, PSLV 1 हो गया, PSLV 4, PSLV 4, PSLV 5, PSLV 6, PSLV 11, PSLV 15, और जिससे मंगलयान को भेजा गया था, यानी PSLV C-25। तो PSLV के काफ़ी संस्करण आए, उसके बाद इसको और अपडेट किया गया और बनाया गया GSLV। GSLV फ्रेंड्स, ये 3 चरण वाला रॉकेट प्रक्षेपास्त्र है, जो कि 414 टन भार उठाने में सक्षम है, यानी बहुत ज़्यादा भार कोई वाले उपग्रह को ले जा सकता है। इसे GSAT-19 को भी लॉन्च किया गया था, जो कि भारतीय उपग्रह। तो ये देखेंगे, ये है GSLV की इमेज, जिसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक, और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन। फ्रेंड्स, ये नया इंजन इसमें ऐड किया गया, क्रायोजेनिक इंजन। बिना इसके GSLV का निर्माण बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तृतीय चरण में GSLV को बहुत
ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन ही कर सकता है। अब अगर बात करें क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन में पूर्ण निम्न ताप पर प्रणोदकों का तरल में उपयोग किया जाता है, यानी जो प्रणोदक जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, तो उनका पूर्ण निम्न ताप पर उपयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा मिलती है रॉकेट को और ये अधिक से अधिक भार उठाने में सक्षम हो पाता है। ये आप देख सकते हैं उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर GSLV के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले, ये देखिए दोस्तों ये GSLV का ही एक अपडेटेड संस्करण है, GSLV-MK3। ये आधुनिक प्रक्षेपास्त्र है और चंद्रयान 2 जो हाल ही में इसरो द्वारा भेजा गया है मिशन है चंद्रमा में, दूसरा हमारा तो चंद्रयान 2 जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे क्या है चंद्रयान 2 का मिशन, तो इसको इसी GSLV-MK3 से भेजा गया था। ये आप देख सकते हैं इमेज उसकी, यहाँ पर उपग्रह रखा जाता है आगे और ये अलग भी होते रहते हैं विभिन्न विभिन्न भागों में जैसे जैसे ऊपर पहुँचते जाते हैं, ये और भी छोटा होता जाता है रॉकेट। अब बढ़ते हैं, ये देखते हैं हम एक अपडेटेड प्रक्षेपास्त्रों की एक अपडेटेड सीरीज। पहले देखेंगे हमने पढ़ा SLV के बारे में, SLV फिर 5 चरण वाला हमारा ASLV आया, उसके बाद आया हमारा PSLV जो कि 4 चरणों का था, उसके बाद अपडेटेड उसका GSLV आया। इनकी लंबाई भी देखिए बढ़ रही है और इसमें जो चरण हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं और इनकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र आया हमारा GSLV-MK3। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं मंगलयान के बारे में। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें GSLV-MK3 में, आपको एक बात और जाननी ज़रूरी है कि इससे 4 लॉन्च अभी तक किए जा चुके हैं और चारों ही सफल हैं फ्रेंड्स। चारों लॉन्च इससे किए गए हैं वे सभी सफल हुए, कोई भी असफल नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा यानी आधुनिक प्रक्षेपास्त्र है हमारा। अब आते हैं अपने मंगलयान पर, क्या था भारत का मंगल मिशन उसके बारे में जानेंगे। तो भारत का मंगल में भेजा गया ये पहला मिशन था और पहली बार में सफलता पूर्वक पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जब उसने मंगल की कक्षा में अपने उपग्रह को स्थापित कर लिया, क्योंकि चीन और जापान जैसे विकसित देश भी पहली बार में मंगल पर पहुंचने में असफल रहे हैं और इसरो ने इसको बहुत ही कम लागत में, नासा से भी कम न्यूनतम लागत में यानी 450 करोड़ रुपए के बजट में इस मंगलयान को पहुंचा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और इसको भेजा गया था PSLV-C25 से। और इस मंगलयान मिशन पर एक फिल्म भी बनी है दोस्तों, मिशन मंगल तो ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को, इस फिल्म से आपको पता चल जाएगा मंगलयान यानी मंगल के लिए जो ये मिशन था उसकी तैयारियों के विषय में, उसकी पूरी कार्यविधि आपको पता चल जाएगी, तो जब आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। ये देखिएगा 24 सितंबर 2014 को इसको मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया था। ये हमारी पृथ्वी और यहाँ से देखिए कक्षा बदलती रहती है। उसके बाद जब मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है, एक ऐसी बहुत सालों बाद एक ऐसी तिथि आती है, यानी कह सके कि जब मंगल ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होता है उसी समय आपको उसी कक्षा में उपग्रह को प्रक्षेप कर देना है, अथवा आपका जो उपग्रह है वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। इसलिए इसरो इसमें सक्सेसफुल रहा और उसने मंगल की कक्षा में उपग्रह को स्थापित करा दिया, जिसके बाद इस उपग्रह ने इसरो को काफ़ी तस्वीरें भी भेजी मंगल की और उसने वैज्ञानिक जीवन की जो संभावनाएं हैं उनके लिए लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे अगले मिशन की ओर, जो कि चंद्रयान 2, ये लेटेस्ट में भारत द्वारा भेजा गया मिशन है जिसको भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें क्या था, एक आर्बिटर था और एक विक्रम लैंडर था। एक लैंडर था जिसको विक्रम नाम है, आर्बिटर दोस्तों वो होता है जो किसी ग्रह के आसपास यानी उसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, बाकी लैंडर उससे अलग होके, उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी साउथ पोल में, यानी मून के चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडिंग करनी थी सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि भारत उत्तरी ध्रुव पर तो पहुँच ही चुका था चंद्रमा के, चंद्रयान 1 के द्वारा काफ़ी कुछ पता चल गया था चंद्रमा के विषय में, लेकिन इस हिस्से पर नहीं कोई पहुंच पाया था, तो भारत ने ऐसा ही प्रयास किया था साउथ पोल में पहुंचने का,
बट दुर्भाग्यवश ये मिशन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जब लैंडर अलग होके सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जा रहा था तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी, और 2.1 किलोमीटर यानी 2.1 किलोमीटर सॉफ्ट लैंडिंग से दूरी पर था जब विक्रम लैंडर, तभी इसका संपर्क हमारे अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया, जिसके बाद हम इसकी गति को कंट्रोल नहीं कर पाए और ये वहीं पर बिखर गया और टूट गया। तो इस प्रकार से ये जो मिशन था वो असफल हो गया, बट इसको असफलता नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञान में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। अगर मिशन असफल भी होता है तो भी तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली, लेकिन जैसी हम लोगों को उम्मीद थी वो नहीं मिले इसके असफल हो जाने से। तो यही था चंद्रयान 2 मिशन, भारत का चंद्रमा पर भेजा गया साउथ पोल पर जानकारी जुटाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मीजिए कि लेटेस्ट की न्यूज़ है तो हमने सोचा आपको बता दें। लेटेस्ट की न्यूज़ ये है क्रिस्टीना कोच, जो कि नासा द्वारा एक मिशन पर गई थी, तो ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाली महिला बन गई हैं। तो ये एक करंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको बताया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर अंतरिक्ष कार्यक्रम के ऊपर, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हम जल्दी आएंगे लेके एक और टॉपिक। धन्यवाद।